बीएसटीसी के साथ बीए करते हैं वो वैलिड होगा या नहीं होगा, बीएड के साथ हम पीजी कोर्स करते हैं, एमए करते हैं, उस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से वर्तमान के जो भर्तियों का सीजन है वो चाहे फर्स्ट ग्रेड को लेकर हो या फिर रेट में जो भी योग्यता के लिए जो दर्ज करने का जो ऑप्शन आ रहा है उस रिलेटेड भी स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो उस रिलेटेड मैंने यूजीसी से लेकर राजस्थान सरकार के कंप्लीट क्या आरटीआई के रिप्लाई रहे हैं, आरपीएससी के क्या रिप्लाई रहे, उस रिलेटेड कितने भी कंप्लीट जो यूजीसी के सर्कुलर वेबसाइट से लेकर मैंने पूरा कंप्लीट जो डिटेल निकाली उस अकॉर्डिंग में आपके साथ कंप्लीट जो अपने साक्ष्य तथ्य हैं उसके साथ मैं आपको अपनी बात बताने वाला हूं, जिससे आप अपना डिसीजन ले पाएंगे और आप अपना जो निर्णय उसकी जो अपनी बात है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि साथियों ये जो मामला है कंप्लीटली यूजीसी से लेकर जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट की जो आरपीएससी अथॉरिटी या फिर जो दूसरे जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग वो सारे उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। तो इस मुद्दे पर जो भी मैं आपसे कंप्लीटली बात करूंगा जितने भी जो ऑर्डर रहेंगे उनको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो मेरी जो बातें बताई जा रही है उसको अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसी अकॉर्डिंग आपको आगे का निर्णय लीजिएगा। क्योंकि निर्णय आपको अपने विवेक से ही लेना है। मैंने जो जितनी भी जो सारी बातें हैं वर्तमान में ड्यूल डिग्री संबंधित डिग्री डिप्लोमा संबंधित वो सारी जो बातें हैं वो एक मंच में आपको लाने के और आपके सामने शो ऑफ करने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों यहां पर हम जो कंप्लीटली जो ड्यूल डिग्री संबंधित जितना भी जो मामला है तो हम कंप्लीटली हम चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में और वहां से हम सीधा समझते हैं इसको कंप्लीटली क्लियर। तो चलिए साथियों दो डिग्री एक साथ के इस उलझे हुए मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मैं आरटीआई के रिप्लाई जो अलग अलग ऑर्डर जो सर्कुलर हैं उसके थ्रू आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है विदाउट स्किप किए, तभी आप अच्छे से बातों को समझ पाएंगे, वरना फिर बात वहीं रहेगी और फिर आप चैनल को कहेंगे फिर मुझे कहेंगे कि उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी और हमारा इश्यूज क्लियर नहीं हुआ। तो मैं एक एक इश्यूज को क्लियर करूंगा, अच्छे से तसल्ली से वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं बीएसटी के साथ बीए और बीएड के साथ एमए। अधिकतर स्टूडेंट्स के क्या रहता है बीएसटीसी या बीएड है या फिर बीएड के साथ एमए वाला है, उसको सेम मानते हैं, लेकिन साथियों यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं बीएसटीसी जो कोर्स है आपका डीएलएड है, यहां पर बीएसटीसी कोर्स है वो एक डिप्लोमा कोर्स है, तो डिप्लोमा के साथ आप जो बीए कर रहे हैं वो एक डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो डिप्लोमा के साथ डिग्री हुई और बीएड क्या है एक डिग्री कोर्स है, और आप जो एमए वगैरह कर रहे हो या फिर तो वो एक क्या है वो भी डिग्री कोर्स हुआ, तो वो बीएड और एमए वाला जो मामला है वो डिग्री डिग्री का है, बीएसटीसी और बीए वाला मामला है वो डिप्लोमा प्लस डिग्री का है। तो इस बात को मैं समझ लीजिएगा, ये आगे आपको इसकी वैल्यूएशन पता चल जाएगी, मैं क्यों आपको पहले ये बता रहा हूं। तो यहां पर बीएसटीसी के साथ जो उन्होंने बीए कर रखे हैं जैसे अभी रेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अमूमन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन की हुई होती है ओपन या नॉन कॉलेज से, तो वो स्टूडेंट्स रेट में जो फॉरम अप्लाई करते हैं उसके लिए कंफ्यूजन है कि उनको हम साथ में शो करें या ना करें, क्योंकि अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय है और यहां पर अगर हम शो करें तो कहीं कुछ किसी गलती के कारण हम पीछे न रह जाए या फिर हम आउट न हो जाए, इस बात से लगातार चिंतित हैं। तो सबसे पहले हम बीएसटीसी के साथ बीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मामला क्लियर करता हूं। 13/10/2014 का ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये आरटीआई का रिप्लाई है, ये भी लगातार घूमता है तो मैंने सोचा इसको भी वीडियो में साथ में एड किया जाए। तो यहां पर सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण साथ आवेदन में वृद्धि करना नहीं बैठ रहा है, मतलब इस जो आरटीआई का रिप्लाई है 2014 का ये जो रिप्लाई है उसमें मतलब लग रहा है आपको यहां पर बीएसटी के साथ बीए की अनुमति निदेशालय प्राथमिक शिक्षा जो है मतलब वन की तरफ से नहीं दी जाती, मतलब आप नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद एक और बात ट्विस्टिंग आप सुनिएगा, मैंने अपने आरटीआई का रिप्लाई 28/5/2015 को मैंने अपना आरटीआई लगाई थी, मैंने वापस मेरे खुद के नाम से आप देख पा रहे होंगे, तो उसमें मैंने पूछा था निदेशालय बीकानेर की ओर से कि बीएसटीसी के साथ मोहन सुखाड़ा विश्वविद्यालय उदयपुर से की गई नॉन कॉलेज स्नातक डिग्री मान्य है या नहीं, मान्य है या नहीं कि स्पष्टीकरण की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवा दे। तो मैंने इस प्रकार से ये पूरी आरटीआई लगाई थी, तो आप खुद भी अपने जो बातें हैं उनकी कुछ शंकाओं के लिए आप लगातार आरटीआई लगा सकते हैं। तो उस आरटीआई का रिप्लाई मुझे 17/6/2015 को मिला था, उस आरटीआई के रिप्लाई में ये बात कंप्लीटली क्लियर करके इस प्रति के साथ मुझे यहाँ पर जो प्राप्त हुआ था, तो जो आरटीआई के रिप्लाई जितने भी लगे थे उसमें सारों में यहाँ पर यही बात क्लियरली मेंशन थी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के इस रिप्लाई में जो कंप्लीटली बात है यहाँ पर बीएसटीसी कोर्स के साथ स्वपाठी के रूप में स्नातक डिग्री करने के संबंध में जिन्होंने स्पष्ट लिखा है बीएसटीसी कोर्स के साथ स्वपाठी के रूप में स्नातक डिग्री के संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है, अलग अलग विश्वविद्यालयों संस्थानों नियमित एवं मुक्त विश्वविद्यालय से स्वपाठी परीक्षार्थी के रूप में अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वपाठी छात्र के रूप में अर्जित डिप्लोमा डिग्री मान्य है। तो बीएसटीसी साथियों क्या है, एक डिप्लोमा है और आपकी जो ग्रेजुएशन हो रही है वो एक डिग्री है, तो डिग्री जो डिग्री डिप्लोमा के साथ आप डिग्री कर सकते हैं, आपने नॉन कॉलेजिएट की है तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूचना के अधिकार तो प्रदान सत्यापित प्रति आप आज भी अगर बीकानेर में लगाते हैं आप आरटीआई के तहत ये बात पूछेंगे तो आपको यही प्रति उपलब्ध करवाई जाती है निदेशालय की तरफ से। तो इस बात में स्पष्टीकरण क्लियर हो जाता है कि जिन्होंने बीएसटीसी जो डिप्लोमा कोर्स है उसके साथ अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपकी मान्य है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बशर्त यह है आपकी नॉन कॉलेजिएट होनी चाहिए या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से की हुई है, तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं, आप साथ में शो कर सकते हैं, उसके आगे अपनी सर्विस में भी जुड़वाएंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर 8/10/2020 का जो महेंद्र पांडे जी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ, यहाँ पर अभी अपने रीट संबंधी भी बहुत उपयोगी पोस्ट इनके द्वारा की गई वो देखा होगा, तो 8/10/2020 को भी उन्होंने एक लेटर जारी कर उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि कंप्लीटली बीएसटीसी में प्रवेश लेने के कारण कोई स्नातक से वंचित नहीं रहेगा, नियमित एवं अलग अलग विश्वविद्यालय में सहपाठी क्षेत्र में अर्जित डिप्लोमा और डिग्री या डिप्लोमा मान्य है। तो इस आदेश के अनुसार नियमित बीएसटीसी डिप्लोमा कोर्स के साथ मुक्त विश्वविद्यालय से सहपाठी के रूप में स्नातक डिग्री भी अर्जित की जा सकती है। तो इस बात
आपका, उन्होंने भी मतलब रिप्लाई किया था। मैंने इसको साथ को लेटर को ऐड किया ताकि थोड़ा और आप में कॉन्फिडेंस रहे कि आप समझ सके कि जो महेंद्र पांडे जी के जो मतलब उन्होंने लेटर था उस पर भी इन्होंने क्लियरिफाई किया था कि जो डीएलएड में जो फर्स्ट ईयर में है वो स्नातक प्रथम वर्ष भी साथ में कर सकता है, साथ ही स्नातक के द्वितीय वर्ष भी और तृतीय उसके साथ कंप्लीटली कर सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त बात यह है कि आपका जो है मतलब नॉन कॉलेजेड या ओपन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो इस बात को उन्होंने भी कहा था और अपने परिचितों को जानकारी देकर ना कि पहल करें तो डीएलएड के सहपाठी के रूप में अर्जित स्नातक डिप्लोमा डिग्री दोनों मान्य होंगी। तो इस संबंधी ये सारी जो बातें थी वो क्लियरली उस समय में जो थी तो चली थी। तो इस हिसाब से बीएसटी से डिप्लोमा है उसके साथ आपने अगर डिग्री कोर्स नॉन कॉलेजिएट या ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो मान्य है, इसमें आपको कहीं कोई चिंता या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं बीएसटी से बीएड के साथ आपके जो एमए वाले जो स्टूडेंट्स है उनके बारे में। पीजी कोर्स स्टूडेंट्स करते हैं तो बीएड को जो है डिग्री का मामला है, यहाँ पर दोनों डिग्री कोर्स की बात है। तो डिग्री कोर्स की बात है तो साथ ही हम चलते हैं यूजीसी जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके थ्रू यहाँ पर सारी जो मतलब नियमावली है उच्च शिक्षा संबंधी जो सारी बातें हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से होती है तो उन सारी बातों को हम समझते हैं। तो साथियों ड्यूल डिग्री का मामला आज का नहीं है, बहुत पुराना मामला है। अगर हम यूजीसी के 28 दिसंबर 2012 को एक सर्कुलर यहां पर मतलब जो देखते हैं जो मतलब प्रेस नोट जो कंप्लीट जारी हुआ था उसमें क्या हुआ था साथियों डिस्टेंस मोड में जो कंप्लीट ड्यूल डिग्री संबंधी जो था उसकी कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद साथियों 15 जनवरी 2016 को वापस एक सर्कुलर यहाँ पर मतलब प्रेस नोट जारी किया जाता है पब्लिक नोटिस यूजीसी की तरफ से, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूजन्स में थे। 2012 में क्या हुआ सर वापस कमेटी का गठन किया गया, कमेटी का गठन होने के बाद वापस उसका मतलब रिजल्ट नहीं आया, स्टूडेंट्स लगातार कंफ्यूजन्स में थे। तो फिर आप इस जो 2016 का जो मतलब पब्लिक नोटिस है आप यूजीसी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, इसमें आप देख पा रहे हैं स्पष्ट तो इन्होंने जो दो डिग्री का कोर्स है वो एक साथ करने को लेकर उन्होंने मना कर दिया, अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है इस संबंधी उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था। तो 2012-2016 इस बात को आप अच्छे से समझिएगा, 2012 कमेटी का गठन हुआ 2016 में स्पष्ट मना कर दिया, मतलब अभी तक कमेटी का जो रिजल्ट है वो आउट नहीं हुआ है, कमेटी का रिजल्ट नहीं आया, इसलिए आप दो डिग्री संबंधी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ इसलिए आप नहीं कर सकते। इस संबंध में 15 जनवरी 2016 को यूजीसी ने बात बोली थी। उसके बाद डेट आती है हमारी साथियों मई 2020 की बात, लगभग मई 2020 में एक लगातार न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखा होगा, आर्टिकल्स में भी देखा, यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियोस बने, मैंने खुद ने बनाया था, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट था साथियों। यहां पर उच्च शिक्षा में अब एक साथ दो डिग्री की अनुमति पर विचार यूजीसी ने बनाई कमेटी, यहां पर एक समिति बनाई थी, यहां पर जैसे देखिएगा यहां पर 2012 में एक समिति बनाई जो मैंने आपको ऑर्डर में बताया था, उस हिसाब से जो समिति बनी थी उस समिति ने मतलब यहां पर विचार विमर्श किया होगा और विचार विमर्श में यह निर्णय हुआ था कि कंप्लीटली जो भूषण पटवर्धन की अगुवाई में एक समिति बनी थी तो यहां पर दो डिग्री अलाउ जा सकता है स्टूडेंट्स को, यूजीसी ने मतलब यूजीसी दे सकता है एक साथ दो डिग्री की इजाजत। यहां पर इसका बहुत जल्द विचार की व्यवहारिकता पर विचार विमर्श चल रहा है और इसका कंप्लीटली सर्कुलर है जो पब्लिक नोटिस है वो वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, इस प्रकार की बात हुई थी लगभग जो मई या जुलाई के जून जुलाई के आसपास, ये 21 जुलाई का न्यूज़पेपर है। तो मई 2020 के बाद से लगातार अलग अलग न्यूज़पेपर में ये सारी खबरें सामने आ रही थी, जुलाई 2020 तक भी आपने देखा होगा एक साथ अनुमति पर विचार। लेकिन साथियों यूजीसी की अगर आप वेबसाइट पर आज तक भी जाके देखते हो तो आपको ऐसा कोई सर्कुलर नहीं मिलेगा, पता नहीं वो क्या हुआ उच्च शिक्षा विभाग का इतना मतलब यूजीसी की तरफ से इसमें क्या निर्णय किया गया उसका कहीं कोई क्लियर नहीं है, लेकिन वेबसाइट पर आज भी कोई सर्कुलर या फिर आपको पब्लिक नोटिस देखने को नहीं मिलेगा कि दो डिग्री आपको एक साथ करने की इजाजत दी गई है। यहां पर जो बातें जो जितनी भी न्यूज़ जो आर्टिकल छपे थे उस समय के वो केवल विचार संबंधी थे, मतलब यहां पर फाइनली निर्णय नहीं था। तो यहां पर ये और बेसिस पे 2021 के अगर हम रिप्लाई की बात करें श्री राजकरण सर जो की तरफ से जो आरटीआई लगाई गई थी 14 जून 2021 को, ये लेटेस्ट रिप्लाई है। तो इसमें इन्होंने स्पष्ट पूछा था कि इस टू डिग्री कोर्स कैन बी डन एट सेम टाइम, उसके बाद इस कैंडिडेट कैन डू एमए एंड बीएड एट सेम टाइम वेयर वन इज डिस्टेंस मोड एंड अदर इज फ्रॉम रेगुलर मोड। तो इन्होंने स्पष्ट पूछ लिया कि अगर हम दो डिग्री एक साथ कर सकते हैं, मतलब इसकी यही बात थी। तो यहां पर कहते हैं इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल विद अंडरसाइंड, मतलब इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि इस संबंधी अभी कोई बात यहां पर कोई अवेलेबल नहीं है। तो मतलब यहां पर अगर होता तो यस या नो जो भी रिप्लाई या फिर कुछ मिलता, लेकिन यूजीसी के अकॉर्डिंग तो के दो डिग्री के बारे में मतलब यहां पर उन्होंने स्टैंड बाय मना ही कर दिया। अब हम बात करते हैं जैसे हम राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं तो यहां पर राजस्थान सरकार का भी कुछ स्टैंड अप होगा, तो यहां पर उसमें राजस्थान सरकार के जो शिक्षा विभाग का जो मतलब 4/5/2010 का एक लेटर देखने को मिलता है, अमूमन आपने पहले भी देखा होगा सचिव राजस्थान लोकसेवा आयोग अजमेर के नाम से प्रधान प्राध्यापक राजनीति विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में, तो एक ये जो पत्र है इस पत्र में भी आप इसको देखते हैं स्पष्ट था, तो यहां पर यह बात भी क्लियर है उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार लेख है कि किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक ही सत्र में दो अलग अलग विश्वविद्यालय से अलग अलग विषयों में नियमित एवं मुक्त विश्वविद्यालय से स्वपाठी परीक्षार्थी के रूप में अर्जित उपाधि डिग्रियां मान्य है। तो यहां पर राजस्थान सरकार का जो मतलब शिक्षा विभाग है उसका स्टैंड बाय समझ सकते हैं कि इन्होंने मतलब कहा है कि दो डिग्री आप एक साथ करते हैं तो मान्य है, नियमित
पे हम एक एक आपके नियमित है या फिर एक मतलब ओपन से है स्वयं पार्टी के रूप में, तो वो मान्य है। इस संबंध में इन्होंने ये दिया और 4/5/2010 का ये लेटर है, तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि लेटर एक्सपायरिंग, लेकिन इस लेटर को जो गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर की तरफ से भी पोस्ट किया गया था लेटेस्ट अभी, तो उसमें भी इन्होंने यहाँ पर मतलब मेंशन किया कि अभी भी अगर आप आरपीएससी में आरटीआई लगा दें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8/8/2019 तक भी ये लेटर वापस आरपीएससी की तरफ से सेंड आउट किया गया। अगर कोई आरटीआई लगाता है आरपीएससी में दो डिग्री संबंधी तो यहाँ पर यही लेटर आपको भेजा जा रहा है, मतलब 2019 तक तो आपको कंप्लीट क्लियर हो जाता है कि यही लेटर अब तक मतलब चल रहा है, मतलब दो डिग्री आरपीएससी तो अलाउ करता है, अब यूजीसी अलाउ नहीं करता। इस बात को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं, मैंने जो सारी बातें थी वो क्लियरली आपको बताई। अब जो बात करते हैं नियम क्या है, प्रॉपर वापस जो बात आती है नियम की बात आती है भैया कि यूजीसी है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है, उस बारे में क्या कहते हैं। तो यूजीसी की वेबसाइट पर एक 21/4/2015 का एक जो नोटिफिकेशन है उसमें जो जो कोर्सेज हैं कौन कौन से आप कर सकते हैं ऑफिशियली यूजीसी के अकॉर्डिंग डीईबी के अकॉर्डिंग, तो उसमें इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है 1 डिग्री कोर्स एंड 1 डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप एक साथ कर सकते हैं। मतलब 1 डिग्री कोर्स आपका हो सकता है रेगुलर या फिर कैसे भी, उसके साथ आप नॉन कॉलेजिएट या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से 1 डिग्री 1 डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं, 1 पीजी डिप्लोमा और 1 डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर सकते हैं, 1 डिप्लोमा 1 सर्टिफिकेट कर सकते हैं, 2 पीजी डिप्लोमा 2 डिप्लोमा 2 सर्टिफिकेट, मतलब इतने सारे कोर्सेज को यहां पर अलाउ किया गया, लेकिन आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं इस संबंध में यहां पर कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है। तो मतलब ये राउंड फिगर बात यही है कि आप मतलब 2 डिग्री एक साथ अभी यूजीसी के अकॉर्डिंग या फिर जो डीबी के अकॉर्डिंग है तो वो आप नहीं कर सकते, लेकिन आरपीएससी की जो बात थी मैंने आपको बता ही दी। बाकी आप बीएसटीसी के साथ बीए वाले स्टूडेंट्स कह रहे थे तो उनका सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनका तो 21/4/2015 के नोटिफिकेशन को भी देखिए आप तो भी इनकी बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि इनका ग्रेजुएशन तो है 1 डिग्री और बीएसटीसी है 1 डिप्लोमा, तो उनको तो कहीं कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने बीएसटीसी के साथ ओपन या नॉन कॉलेज कर रखी है तो आप बिल्कुल शौक कर सकते हैं। बीएड वाले स्टूडेंट्स के जो निर्णय है वो आपको अपने विवेक से लेना है, जो मैंने सारी बातें थी क्लियरली आपको सारी बता दी हैं। आरपीएससी की पिछली भर्तियों में भी अगर हम देखते हैं तो इस संबंध में कहीं कोई आरपीएससी ने कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं किया है, तो आपका जो निर्णय होगा वो आपके विवेक से होगा। मैंने जो जितनी भी सारी बातें थी वो मैंने क्लियर कर दी। इसी प्रकार के एजुकेशन संबंधी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। मिलेंगे और किसी नई हेल्पफुल और लेटेस्ट अपडेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।